तो मैं आपको हटाकर ऐसे ही दिखाती हूँ कितना ज्यादा जो है इंस्टेंट ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इंस्टेंट जो है एकदम स्किन व्हाइटनिंग हो चुकी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना ज्यादा जो है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज एक ऐसी रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपकी मिलाजमा को, आपकी पिगमेंटेशन को, आपके चेहरे पर इवन टोन नहीं रहता हो, आपकी स्किन लूज हो चुकी हो, आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो, दाग हो, धब्बे हो, किसी भी प्रकार की मुश्किल से मुश्किल झाइयां क्यों ना हो, आपकी सारी रिमूव आउट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, एक बाला था उसको जरूर से प्रेस कर लें। देखिएगा फ्रेंड्स, काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनके फेस पे से झाइयां जाने का नाम ही नहीं लेती है। काफी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, पुराने से पुरानी पिगमेंटेशन हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, पिगमेंटेशन जो है वो एक दिन में नहीं आती है, इसको आने में टाइम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी हम रेमेडीज आपसे शेयर करते हैं, आप 1 मंथ तो आप उसे लग के जरूर से लगाइएगा फेस में, और आपको रिजल्ट 100% इसका मिलेगा जो मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिएगा, पिगमेंटेशन भी कई तरह की होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। मिलाजमा पिगमेंटेशन ये आपको देखना है, ये कई कारणों से आपके फेस में आ जाती है। काफी लोग जो है इसका सर्जरी है, ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उससे भी उन्हें फायदा नहीं होता। जो हम आपसे शेयर करते हैं नेचुरल हर्ब से, नेचुरल रेमेडीज जो हम शेयर करते हैं, जो हमें नेचर ने दिया है, वो बहुत ज्यादा 100% काम करता है। अगर आप जब लगाना यूज करना शुरू कर देंगे, आप खुद देखेंगे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इतना ज्यादा इफेक्ट होता है, काफी लोगों की पिगमेंटेशन सही हो चुकी है। मैं पहले जो है मैंने काफी सारे पिन भी कर दिए थे कमेंट, आप खुद मैं अब लगा दूंगी, आप खुद देख सकते हैं उनकी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे बिल्कुल सही हो चुके हैं फ्रेंड्स। आपको बस इन पे बिलीव करना होता है कि इसी से ही मेरी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे सही हो जाएंगे। प्रॉपर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, डाइट प्लान को फॉलो करते हैं जो हम बताते हैं आपको, तो आप देखेंगे इसका आपको 100% रिजल्ट देखने को फेस में मिलेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो पिगमेंटेशन है वो एक दिन में नहीं आती, आपको ध्यान रखना है। आप जब भी धूप में जाते हैं, सनलाइट के संपर्क में आते हैं, तो सीसी क्रीम या आप सनस्क्रीन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, अपने पूरे फेस में आपको अप्लाई करके जाना है। यूवी रेज की वजह से, हमारी स्किन के अंदर यूवी रेज जब जाती है तो स्पॉट्स के रूप में पिगमेंटेशन बढ़ने लगती है, और ये लापरवाही की वजह से हमारी जो है बढ़ती ही चली जाती है। कुछ लोगों के जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर प्रेगनेंसी में आ जाती है। अगर आपके प्रेगनेंसी में आई है पिगमेंटेशन, चेहरे पे दाग हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आपकी जो है आपको डाइट प्लान जरूर से फॉलो करना है। अगर आप ऐसी डाइट लेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन आई थी वो रिमूव हो जाएगी। आपको क्या है, कुकुम्बर खाना है, रोज कुकुम्बर सेवन करने से आपकी पिगमेंटेशन जड़ से सही हो जाएगी। आपको विटामिन सी का फूड लेना है, विटामिन सी जो है हमारी स्किन को यूथफुल करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, निखार देता है आपके चेहरे पे। अगर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से आई है तो वो आपके सही नहीं होगी, उसका आपको जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपके जो है किसी कॉस्मेटिक की वजह से फेस पे पिगमेंटेशन हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, वो भी आपके रिमूव आउट हो जाएंगे। हमारे फेस में मार्केट वाली लोग ब्लीच इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे स्पॉट्स हो जाते हैं। जब तो आपको अच्छा लगेगा ब्लीच लगाने के बाद चेहरा, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, फेस पे से आपके स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे, पिगमेंटेशन हो जाएगी, रहेगी नहीं। आपको क्या है, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ब्राइटर हो जाए, यंगर हो जाए, तो फ्रेंड्स आप जो है नेचुरल ब्लीच अपनी घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो और रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट इंग्रेडिएंट में आपके अंदर जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है पोटैटो के अंदर, जो आपकी स्किन में से ब्लेमिशेस को दूर कर देती है, दाग धब्बों को दूर कर देती है। आपके पास अगर पोटैटो है तो आप उसे घिस लीजिए, घिसने के बाद जो रस होता है उसको अलग कर लीजिए, और नीचे जो है पोटैटो का जूस रह जाएगा वो भी आप ले सकते हैं। और मैंने जो लिया है यहाँ हर्ब टॉनिक का पोटैटो पाउडर लिया है, ये जो है आपको कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर का, और फ्रेश वाला है तो फ्रेश भी ले सकते हैं। एक खाली बॉइल आपको ले लेना है, और आपको लेना 1 टेबल स्पून पोटैटो का पाउडर, अगर फ्रेश वाला है तो 1 टेबल स्पून उसका आपको ले लेना है पाउडर ही। फ्रेंड सेकेंड इंग्रेडिएंट में मैं लेने वाली हूँ रोज पेटल पाउडर, और अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़िया है और उसका पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पिगमेंटेशन जो है 100% इससे रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिएगा इस तरीके से मैंने इतने दोनों पाउडरों को ले लिया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इन्हें मिक्स कर देना फ्रेंड्स। आपको लेना है कच्चा दूध, अगर आपको कच्चा दूध सूट नहीं करता है तो आप यहाँ पे रोज वाटर से भी इसे मिक्स कर सकती है। जो है आप अगर वीक में 1 से 2 बार भी कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, काफी लोगों पे टाइम नहीं होता,
तो आप अगर इसे एक से दो बार भी कर लेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। आप एक बार के इस्तेमाल से देखेंगे आपका कलर भी बहुत ज्यादा जो है इवन टोन होगा, कलर भी ब्राइट होगा आपका। इस तरीके का ये पैक हमारा जो है बनकर रेडी हो चुका है। आप जो है फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लें, और इसे अप्लाई करने के बाद एक से दो मिनट आपको मसाज करनी है। जो है आपके फेस में फेयरनेस भी देगा, साथ ही ब्लीचिंग का काम करेगा। आपको मार्केट की ब्लीच लगाने की जरूरत नहीं है। इसे लगाने के बाद हैंड से इसकी मसाज करनी है, स्लो स्लो हैंड से। इस तरीके से आप इसमें जो है रोज वाटर डाल सकते हैं। और ये जो मैंने दूध लिया है पहले फ्रीज में रख दिया था, उस पर जो मलाई आती है उसको आपको हटाकर तब इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपको पूरे फेस में इसे लगा के छोड़ देना है, और जब वेट ड्राई हो जाता है तो नॉर्मल वाटर से आपको फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स ये जो है ड्राई हो गया है, तो मैं आपको हटाकर ऐसी दिखाती हूँ कितना ज्यादा जो है इंस्टेंट ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इंस्टेंट जो है एकदम स्किन व्हाइटनिंग हो चुकी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स कितना ज्यादा जो है एकदम से मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आ गया है। वॉश करने के बाद फेस का रिजल्ट कुछ इस तरीके का है, और ये 100% रेमेडी जो है बहुत ज्यादा वर्क करती है। स्किन को एकदम से आपकी फेयर कर देती है, डार्क स्पॉट को दूर कर देती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी आपकी दूर हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो रेमेडी अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे जरूर से शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।